चाहिए बिला उज़्र सिर्फ पेशानी पर इक्तफा करना मकरूह है। अगर बाद औकात में नाक ऊपर उठाए ऐसा करना मकरूह है। जिनमें से पहला सजदा तो फर्ज है और दूसरा भी बिल इजमा फर्ज है, तो दूसरा भी फर्ज है उसमें। पेशानी का अक्सर हिस्सा जमीन पर रखना वाजिब है, फर्ज वाजिब के बाद जैसा नमाज फर्ज है, रोज़ा फर्ज है, ज़कात फर्ज है, हज फर्ज है, वैसे ही इसका लगना भी फर्ज है। फर्ज के बाद का जो दर्जा है उसका वाजिब का है, फर्ज वाजिब। अगर पेशानी का जमीन पर रखना किसी को मसलन जख्म वगैरह से बाहर दुश्वार हो तो इसके बजाय सिर्फ नाक रखना काफ़ी है। अगर आपके पास कोई उजुर इसलिए है, अगर बाहर दौत में किसी को मार पड़ी या फिर कोई ज़ख्म है या फिर किसी तरह का कोई निशान है जिससे दर्द हो रहा, तो उस औकात में सिर्फ नाक रख ले सकते हैं। अगर आपको कोई उजुर इसलिए है फिर भी आप सिर्फ नाक रखें तो आप कोई उजुर रहा तो कर सकते, बिना उजुर के आपकी नमाज फासिल हो जाएगी। लेकिन बिला उजुर सिर्फ नाक पर इत्तेफाक करने से सजदा ना हो। अगर पेशानी और नाक दोनों में से एक को भी ज़मीन पर ना रख सके तो ऐसा शख्स सर के इशारे से सजदा अदा करे। सजदा ऐसी चीज़ पर करना चाहिए जो सख्त हो और जमी रहे, जिस पर पेशानी ठहर सके, वरना सजदा ना होगा। नाक का वो हिस्सा रखना चाहिए जो सख्त है। अगर नरम हिस्सा यानी नाक के सर पर सजदा किया जाए तो दुरुस्त नहीं, मसलन घास या बस या रूई वगैरह पर सजदा किया जाए तो और पेशानी पर ना ठहरे तो सजदा ना होगा, इसलिए आपको जमीन पर सजदा करो। बाजे ने गद्दे गद्दे